टीकमगढ़ जिले के मनसापूर्ण वीर हनुमान लला सरकार घिसल्ली पट्टा सरकार मंदिर प्रांगण में विशाल श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ की तैयारियां चल रही है। परम हर्ष का विषय है कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्री 1008 श्री हनुमान जी महाराज की अनुकंपा से और साकेतवासी दादा गुरु अंत विभूषित श्री श्री 108 श्री सियाराम दास तपसी जी महाराज और सदगुरु देव श्री श्री 108 श्री रामकिशोर दास जी त्यागी महाराज जी के संचित तपोबल से इस भव्य महोत्सव में भारतवर्ष के जगतगुरु आचार्य वृद्ध महामंडलेश्वर संत वृद्ध सहित अनेकों संत महात्मा इस महायज्ञ एवं धार्मिक अनुष्ठान जैसे कार्यक्रम में सम्मिलित होने जा रहे हैं। इस महायज्ञ को इस बार नव कुंडात्मक श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के रूप में किया जाना है एवं श्री वाल्मीकि रामायण कथा साथ ही रामलीला और विशाल मेले का आयोजन भी होने जा रहा है। अभी होने जा रहा है घिसल्ली पट्टा सरकार पर, इसकी क्या विशेष तैयारियां चल रही हैं? इसकी क्या तैयारी, इसकी जो है ये मनोकामना सिद्ध क्षेत्र घिसल्ली पट्टा के नाम से जाना जाता है और श्री महंत जी के दिशा निर्देश में बजरंग दास जी के में यज्ञ कार्यक्रम प्रारंभ होने जा रहा है। लक्ष्मी नारायण महायज्ञ का आरंभ हो रहा है, इसमें सभी क्षेत्रवासियों का, सभी गांव वालों का, सभी का सहयोग है। सब अपने अपना जितना जो कुछ बनेगा सब लोग दान करेंगे और सभी जिले वासियों से अनुरोध है कि यज्ञ में शामिल होकर के जितना भी सहयोग बने सब लोग सहयोग करें और बड़ा विशाल मेले का आयोजन भी है, तैयारी भी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगण आते हैं मनोकामना सिद्ध से जिसकी भी जो मनोकामना पूरी वो इच्छा होती है वो यहाँ संपूर्ण पूरी होती है। वैसे इस आयोजन में काफ़ी संत शामिल हो रहे हैं और इस आयोजन में कई सारे भक्तगण भी आने वाले हैं, उनकी क्या विशेष यहाँ तैयारियाँ हैं? जो यहाँ उनकी पूरी तैयारियाँ हैं, इसका सब व्यवस्था उनके ठहरने की हो चुकी है, भोजन पानी की सब मुफ्त व्यवस्था है, किसी को कोई शुल्क नहीं लगेगा और पानी की भी अच्छी व्यवस्था है। क्षेत्रवासी टैंकर रखेंगे, आएंगे, सहयोग करेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र का आदमी यहाँ जो सहयोग करता है वहाँ इस अपेक्षा से नहीं करता है कि हमको कुछ मिलेगा, यहाँ पर कुछ मजदूरी मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, सब अपना तन मन धन सब समर्पित करके सहयोग करते हैं पूरे क्षेत्रवासी। और विशेष मेला के लिए यहाँ पे जो दुकानदार बंधु बाहर से आएंगे उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? उसकी ऐसी व्यवस्था रहेगी कि सब दुकानों को लिए जगह खाली हो गई है, फसल कट गई है, तो सबके लिए मेला की पार्किंग की दुकानें की व्यवस्था की जाएगी। कमेटी है एक जो कमेटी व्यवस्थित जगह देगी, मेला वालों को सुविधाएँ देगी, भोजन फ्री होगा, उनका रहने खाने पीने की व्यवस्था फ्री रहती है, उनको तो अपना मेला लगा के व्यवसाय चलाते हैं केवल। ठीक है, यह आयोजन बड़े ही भव्यता से किया जा रहा है, इस आयोजन की क्या तैयारियाँ रखी गई? इसकी हमारे श्री श्री 108 महंत बजरंग दास जी महाराज के द्वारा सभी क्षेत्रवासियों को इस आयोजन में सम्मिलित होने के लिए उत्साहित किया जा रहा है। हम सभी क्षेत्रवासियों के सहयोग से यह भव्य आयोजन किया जा रहा है और जब से महंत बजरंग दास जी महाराज हमारे इस मंदिर पर आए हैं तब से यहाँ लगातार विकास की गंगा बह रही है और आगे भी क्षेत्रवासियों के सहयोग से लगातार विकास होगा और प्रभु से ऐसी कामना है कि यह मंदिर जिले के टॉप मंदिरों में सम्मिलित हो। वैसे यह मंदिर अभी कुछ दिनों में बहुत ही सिद्ध पीठ बन गया है और काफ़ी भक्तगण इसमें भाग लेने आते हैं, दर्शन के लिए आते हैं, उन सब के लिए आप क्या संदेश? जहाँ तक हमारा मानना है साक्षात यहाँ प्रभु विराजमान हैं और यह तो वह मंदिर है कि जहाँ से यहाँ से निकलकर मुख्यमंत्री बने हैं, जब प्रभु की कृपा हुई तो हमारी सुश्री उमा भारती जी इसी मंदिर से सबसे पहले उन्हें आशीर्वाद मिला था और जाके मध्य प्रदेश की कमान मिली थी। प्रभु की यहाँ बहुत ही अपार कृपा है, जिसके ऊपर भी होती है वो बहुत आगे जाता है, ऐसा हमारा मानना है। इस आयोजन में जो भी कमेटी के सदस्यगण हैं उनकी क्या तैयारियां इस यज्ञ को लेकर अभी चल रही हैं? कमेटी के सदस्यों द्वारा लगातार क्षेत्र में जाके कार्य किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है, बढ़ चढ़ के लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं और प्रभु की कृपा से बड़ा ही भव्य आयोजन किया जाएगा। इस आयोजन में रोज कितने समुदाय का लगभग आना सुनिश्चित किया गया है? हजारों की तादाद में, भक्तों की कोई तादाद नहीं होती है, इसमें हजारों भक्त सम्मिलित होंगे, वो बड़ा ही रूप होगा इस यज्ञ का।
ये हमारा मानना है। अभी घर में मतलब किसी को आमंत्रण देकर कमेटी के द्वारा कोई निर्णय लिया? लगातार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है कि यहाँ पधारें और पुण्य लाभ लें, और क्षेत्रवासियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। चूँकि महाराज जी ने बड़ी बड़ी संत मूर्तियों के भी हम लोगों को यहाँ दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। जी जय श्री राम। जय श्री राम। यह कार्यक्रम जो अभी होने वाला है, इसकी क्या विशेष तैयारियां की जा रही हैं आप लोगों के समय द्वारा? साक्षात प्रभु वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज पट्टा सरकार की कृपा से संत भगवान श्री श्री 108 श्री महंत जी श्री बजरंगदास जी महाराज की अनुशंसा में ये सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। विशेष रूप से लकड़ी, पानी, भोजन, सारी सामग्री गांव वाले क्षेत्रवासी सभी लोग मदद कर रहे हैं। हर तरह से तन मन धन का सहयोग करके ये यज्ञ संपूर्ण करने की सबकी ये अपेक्षा है। अपने बुंदेलखंड के गौरव तुलसी जो राजेंद्र दास जी महाराज इसमें शामिल हो रहे हैं जी, उनकी क्या विशेषता यहाँ पे मतलब वो आने की उनसे क्या अपेक्षा करेंगे? वो तो बोले अंतर्राष्ट्रीय संत हैं, वो आए हैं, वो अपना आशीर्वाद जो है प्रदान करें हम क्षेत्रवासियों के लिए। यही उनका क्षेत्र है, वो जन्म स्थली भूमि है, उनसे जो है अपेक्षा करेंगे कि हाँ कि हम अपने सभी लोगों को आशीर्वाद दें। बाकी इस आयोजन में कितने दिन का समय रखा गया? ये नौ दिन का समय रखा गया है, जिसमें जो है बड़े विशाल मेला रूप में रखा गया है। श्री रामलीला का मंचा सीन भी होगा, संत भगवान के द्वारा श्रीमद् भागवत का भी उच्चारण होगा और वाल्मीकि रामायण जी का भी होगा। इसके बाद दसवें दिन विशाल भंडारे रूप में ये क्षेत्रवासियों को पूरे नगरवासियों को नगर भोज भंडारा होगा पूरे क्षेत्रवासियों का। इस महायज्ञ में आप क्या संदेश देना चाहेंगे क्षेत्रवासियों को? क्षेत्रवासियों के लिए अपन कोई संदेश देने लायक नहीं है, ये साक्षात प्रभु स्वामी परमात्मा श्री हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, अपने ईश्वर रूप में ये साक्षात संत बैठे हुए हैं, वो अपन लोगों को संदेश देंगे, वो सारे उनकी अपन देख रेख में उनके चरणों की धूल में जो अपन सब कुछ कार्यक्रम देखेंगे। बोल बजरंग बली की जय। आपने किन युवाओं को और जो भी धर्म प्रेमी बंधु हैं उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? उनके लिए नया जागृति का एक केंद्र है, देव शांति का केंद्र है, धर्म का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है, मानवता के कल्याण के लिए केंद्र है। भगवान की कृपा तभी होती है जब जीवन में कोई सत्कर्म करने की प्रेरणा जागृत होती है, और भक्ति तभी मिलती है जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है। ईश्वर की कृपा जब ही होती है, जब हनुमान जी महाराज कृपा करेंगे, रामराजा सरकार की कृपा मिलेगी, तभी मानव जीवन का कल्याण होगा, तभी सत्कर्म हो सकेंगे, तभी ये देवी देवताओं की शांति हो सकेंगी। जो मानव जीवन में जो ये कष्ट परेशानी और दुख जी संकट जो चल रहे हैं, तभी मानव जीवन का उद्धार हो सकेगा। इसलिए युवा वर्ग मानव जीवन का कल्याण करने के लिए इनको सबको चेतना दीजिए। इस आयोजन में कितने दिन का समय दिया गया है और कौन कौन से संत इसमें शामिल हो रहे हैं? इसमें सभी संत शामिल हो रहे हैं, अपने समस्त क्षेत्रवासी संत शामिल हो रहे हैं, और महाराज जी शामिल हो रहे हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, रनमोहन दास जी महाराज, सीताराम दास जी, अपने नारायण दास जी महाराज निर्मोही नागा खाड़े। इस आयोजन को बड़े ही भव्यता से अपने बुंदेलखंड के इस गौरव को बढ़ाने के लिए आपने क्या कदम उठाया? इसके लिए तो भगवान की कृपा का रूप ही दिया गया है मानव जीवन के कल्याण के लिए। और इसमें क्या क्या आयोजन रखे गए हैं? 10 दिन का यह कार्यक्रम है, क्या क्या इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे? यज्ञ कार्यक्रम है, वाल्मीकि रामायण कथा है, रामलीला है, मेला समारोह का, भजन संध्या का कार्यक्रम रखा गया है, और 10वें दिन भंडारे का कार्यक्रम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।